मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले होते हैं माँ दुर्गा के दर्शन। माँ दुर्गा जगत जननी है, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाली है। तो चलिए भक्तों के साथ हम भी लेते हैं माँ अम्बे का आशीर्वाद, जो सुखदायिनी है और फलदायिनी है। कालीपल्टन के इस मंदिर में तीन दरबार हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले माँ दुर्गा का सच्चा दरबार। माँ दुर्गा का ये मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इस दरबार में प्रवेश करते ही सबसे पहले भक्त की आंखों के सामने माँ की खूबसूरत मूर्ति आती है, जो मन को मोह लेती है। माँ की आंखों के तेज को देखते हुए भक्त बस माँ की भक्ति में डूब जाते हैं। दरबार के अंदर जब नजरें घुमाकर देखें तो माँ दुर्गा अपने नौ रूपों में यहाँ विराजमान है। माँ की मूर्ति के एक तरफ स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कूष्मांडा, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी और शैलपुत्री की मूर्तियाँ। शेर पर विराजमान माँ की प्रतिमा के साथ ही माँ का संयम कक्ष भी लगाया गया है। जगत जननी के इस दरबार में आकर भक्तों को शांति मिलती है, अपार सुख का अनुभव होता है। माँ के इस दरबार में भक्त आते तो खाली हाथ हैं, लेकिन दुखहरणी अपने बच्चों को कभी भी खाली हाथ वापस जाने नहीं देती। माँ का आशीर्वाद तो हमें मिल गया, अब करते हैं देवों के देव महादेव के दर्शन। वो भोलेनाथ जिनकी अनगिनत कथाएं हैं, चाहे समुद्र मंथन के दौरान विष पीना हो, संसार बचाने के लिए गंगा को जटा में समाना हो, या माँ काली के क्रोध को शांत करने के लिए उनके पैरों के नीचे लेटना हो। आइए करते हैं भोले भंडारी को नमन। माँ दुर्गा के सच्चे दरबार से आशीर्वाद लेकर भक्त बम बम भोले कहते हुए आगे बढ़ते हैं देवों के देव महादेव के दर्शन के लिए। शिव के इस भवन के अंदर शिव पार्वती की मनमोहक मूर्तियां विराजमान हैं। मूर्ति के सामने ही शिवलिंग भी, जो स्वयंभू है। स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण ये एक सिद्धपीठ भी कहा जाता है, जिस पर भक्त फल और फूल चढ़ाते हैं। शिव भवन के अंदर ही गणेश, हनुमान, कार्तिक और भैरव बाबा की मूर्तियां विराजमान हैं। शिव जी के दरबार में जाने से पहले जब भक्त चारों तरफ नजरें घुमाकर देखता है तो भोलेनाथ के जीवन का सार भक्त को पहले ही शिव की भक्ति में लीन कर देता है। शिव दरबार के बाहर ही भोलेनाथ के जीवन का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। चाहे समुद्र मंथन के दौरान विष पीते नीलकंठ हो, अर्धनारीश्वर के रूप में भोले बाबा, राम जी और हनुमान को आशीर्वाद देते भोले भंडारी। भोले भंडारी के इस दरबार में आते ही भक्त अपने दुखों को भूलकर ईश्वर की भक्ति में खो जाते हैं। सुबह हो या शाम, हर वक्त यहां भक्त भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाते हैं। आरती के दौरान इस मंदिर का माहौल भक्तिमय हो जाता है। जहाँ नजर घुमाओ बस हर हर महादेव कहते भक्त नजर आते हैं। भक्तों की इस भक्ति को देखकर ये एहसास होता है कि मानो ईश्वर कहीं है तो बस यही है, यही है, यही है। माँ का आशीर्वाद और भोले भंडारी को नमन के बाद भक्त राधा राधा करते पहुँचते हैं यशोदा के लाल नन के दुलारे और राधा के प्यारे कृष्ण कन्हैया के दरबार में, जहाँ आकर कई तीर्थों के दर्शन होते हैं। माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर जब भक्त भोले भंडारी के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं तो आता है कन्हैया का मनमोहक दरबार। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, श्री
राधे गोविंद गोपाला तेरा प्यारा नाम है। राधा राधा कहते हुए भक्त पहुंचते हैं राधा कृष्ण के मनमोहक दरबार में। गोविंद गोपाला तेरा प्यारा नाम। राधा कृष्ण की ये मूर्ति भक्तों की आंखों में बस जाती है। चांदी के बने राधा कृष्ण के इस दरबार में आकर भक्त दुनिया के हर दुख को भूल जाते हैं। दरबार में आकर भक्त सबसे पहले राधा कृष्ण के चरणों में शीश झुकाते हैं और उसके बाद करते हैं परिक्रमा। मुरली मनोहर के इस भवन में पहुंचते ही आपको कई तीर्थों के दर्शन भी हो जाएंगे। श्री रामेश्वरम धाम, जहां स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। आगे चलकर हमें दर्शन होते हैं जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम को समर्पित मंदिर के, जो श्री बलराम सुभद्रा जी जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, गोकुल में पले, पर राज उन्होंने किया द्वारका में ही। इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़कर दर्शन होते हैं श्री द्वारकाधीश द्वारिकापुरी के, और फिर आपको दर्शन होंगे भगवान विष्णु के बद्रीनाथ रूप को समर्पित श्री बद्रीनाथ, श्री लक्ष्मी, श्री नारद, श्री गरुड़, श्री कुबेर के। राधा कृष्ण के इस दरबार में आकर आपको अपार सुख का एहसास होगा। कन्हैया के जीवन से जुड़े कुछ पहलू को आप इस मंदिर में देख सकते हैं। श्री बाबा ओघरनाथ शिव मंदिर में विराजमान भगवान शिव की अनुकंपा सदा हम सब पर बनी रहे, प्राणियों में भाईचारा हो, इसी कामना के साथ अब वक्त है विदा लेने का। अगली बार मिलेंगे आपसे एक और भव्य मंदिर के दर्शन के साथ। हर हर महादेव।